What is up guys, welcome back to Electrical Unboxing. मैं नितिश बस्सी आज आपके लिए लाया हूँ Luminous का Ventu Axial Model Ventilation Fan. तो दो sizes आज हम unbox और review करेंगे, 100mm and 150mm. काफी डिमांडिंग रहता है दोस्तों ये, और देखते हैं कहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, एग्जॉस्ट से क्या डिफरेंस है इसमें और भी बहुत कुछ. ये रहा हमारा Ventu Axial, तो चलिए खोलते हैं. तो दोस्तों जैसे मैंने कहा था, दो साइजेस आते हैं इसमें. एक है हमारा 100mm का, मींस 10 सेंटीमीटर, और दूसरा है 15 सेंटीमीटर 150mm में. ओके, सो अंदर से बबल रैप किया गया है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग. एंड ऊपर से इसका जो बॉक्स है दोस्तों, वो काफी सॉलिड है. ये देखिए, मतलब चलो ज्यादा तारीफ कर दी, बट हाँ जी, काफी सॉलिड है नॉर्मल ऑर्डिनरी बॉक्स से. ओके, सो हियर इट इज गाइस, 100mm एंड 150mm. जो कलरिंग है वो मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छी लग रही है, काफी क्यूट सा लग रहा है यार देखा जाए तो. एक तो जिसकी कलरिंग है ऑफ वाइट, वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. ये ऐसी जगहों में लगता है जहां पे दूसरा ऑर्डिनरी एग्जॉस्ट अच्छा नहीं लगेगा, एंड ये मतलब उस अच्छी फैंसी लुक को मेंटेन रखेगा. तो इनकेस यू आर कंफ्यूज कि इसकी लुक अंदर से कैसी लगेगी, बाहर से कैसी लगेगी, सपोज ये हमारा लेफ्ट साइड अंदर वाला पार्ट है, तो ये ऐसे लगेगा दोस्तों. अंदर से हमें ये लुक दिखेगी, बाहर से हमें ये दिखेगी. यहां से वो खींचेगा, यहां से छोड़ेगा बाहर को. तो लाइव टेस्टिंग से पहले थोड़ा सा आपको फीचर बता दूं. ये देखिए दोस्तों, इसकी कंजप्शन बहुत ही कम है, सिर्फ 18 वॉट्स के. उसके अलावा जो इसके आरपीएम है वो थोड़े इनसेन है दोस्तों, 2200 आरपीएम, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा हाई स्पीड में है. देखिए इसकी, यस 22 वॉट की है, और आरपीएम थोड़े कम हो गए. जैसे जैसे साइज बड़ा होगा आरपीएम कम होंगे दोस्तों. एंड दोस्तों जो पीवीसी मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, वो ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हार्ड लग रहा है. गाइस बाकी बताओ, इसके जो ब्लेड्स है ना, वो काफी ज्यादा लाइट वेट है, तो डेफिनेटली स्पीड अच्छी होगी. और हम इसकी सकिंग पावर भी चेक करेंगे अभी, एंड सच में काफी ज्यादा लाइट ब्लेड है. एंड वन मोर गुड थिंग इज कि इनके ब्लेड में डिफरेंस बहुत कम है, गैप बहुत कम है, गैप कम है, तो ज्यादा कैपेसिटी इसकी होगी बाहर निकालने की. हवा भी चेक कर रहे हैं हम. सकिंग पावर हम कैसे चेक कर रहे हैं दोस्तों, वो हम चेक कर रहे हैं इस पेपर के साथ. ये दोस्तों छोटा है, 100mm वाला ये वेंटिलेशन फैन है, तो उसके हिसाब से इसकी पार अच्छी लग रही है. अब चेक करते हैं बाहर से कितनी हवा निकाल रहा है. दोस्तों हवा डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, हवा है, बहुत है, सच में है, ये देखिए. तो दोस्तों ये रहा हमारा 150mm का, इसकी पार उससे ज्यादा ही होगी, तो काफी ज्यादा है, थोड़ी सी भी नहीं, ज्यादा ही है भाई, काफी ज्यादा है. ये बड़ा पेपर था दोस्तों. अब इसका थ्रस्ट चेक करते हैं कितना है. ये मैं इसका पेपर रख रहा हूँ बड़े वाला, एंड यहाँ पे देखिए काफ़ी दूर है, बट ये तो उड़ता ही जा रहा है दोस्तों, अनडाउटेडली उड़. देखिए थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, नो डाउट थ्रस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड दूर तक है. ओके, सो गाइस टेस्ट में मज़ा आया, अच्छा टेस्ट था. ये बच्चों सा जो हमें दिख रहा है 100mm का, इसमें भी अच्छी पार दिख रही है. तो टेस्ट से हमें पता लग गया कि पार है, सकिंग पार अच्छी है, एंड थ्रस्ट तो और भी अच्छा है. बट पहले आपको बता दूं, ये यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है दोस्तों. एंड गाइज, इफ यू से कि आप इसे वॉशरूम्स में यूज करना चाहोगे, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर अ बाथरूम. तो इसका यूज आप ऑफिस शोरूम्स के लिए ही रहने दीजिए. उसके अलावा एक और इसका यूज रहता है, वो रहता है किचन चिमनीज में, जो उसकी पाइप रहती है उसके एंड में लगा देते हैं लोग, चिमनी की पार इंक्रीज करने के लिए, उसकी सकिंग पार को, सो दैट चिमनी पे कम प्रेशर पड़े. और ये हेल्प आउट कर देगा दोस्तों, काफी ज्यादा वाइप कर देता है ये सारा धुआं एंड ऑल, तो उसके लिए भी यूज रहता है. ये नहीं, मोस्टली उसके लिए ये यूजफुल रहता है, क्योंकि इसका साइज भी छोटा है. बाकी इसकी कंपनी की तरफ से 2 साल की वारंटी. एंड दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात करूँ, तो हमारा 150mm जो रहता है वो 1000 के अंडर ही रहता है हल्का सा, एंड जो हमारा ये 100mm है 50 rupees कम रहता है 150mm से. दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसे लगे दोनों वेंटिलेशन फैंस, क्या आप इसे इंस्टॉल करना चाहोगे अपने घर में कहीं भी. घर में जैसे मैंने कहा था वॉशरूम के लिए प्रेफरेबल नहीं है, बट फिर भी क्या आप करना चाहोगे, बिकॉज लुक अच्छी है, पार भी है इसमें, तो बताइए. एंड अगर आप ऑफिस शोरूम कहीं भी यूज करना चाहोगे, एंड अगर आपने किया है तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा, एंड लुक्स बताइए दोस्तों, सब कुछ बताइए, मतलब कमेंट कीजिए, इन शॉर्ट ये कह रहा हूँ मैं. एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना. आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल.